नमस्कार, मैं हूं दिव्यानी व्यास और स्वागत है हमारे चैनल स्मार्टफोन क्रंच में। दोस्तों, आज के इस दौर में मोबाइल या अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलने किसे पसंद नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर लोग अपने खाली समय में मोबाइल पर गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं और डिजिटल बाजार में कई तरह के मोबाइल गेम्स आजकल मौजूद भी है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि फ़ोन पर वो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि उन्हें शूटिंग गेम्स खेलना पसंद है। शूटिंग गेम्स को लेकर लोगों के बीच में हमेशा ही दीवानगी और रोमांच रहा है। शूटिंग वीडियो गेम में हमेशा ही आम जनता को रोमांचक गेमिंग अनुभव दिया है। लोगों के लिए पहले आए शूटिंग गेम्स को-ऑप जो भी मोड से लेकर इमर्सिव स्ट्रेटेजिक के साथ सिंगल प्लेयर बैटल और यहां तक कि क्लैश ऑफ क्लेंस के प्रीमियम ग्राफिक तक का अनुभव गेम लवर्स ने किया है। मोबाइल पर फोर्टनाइट की अपार सफलता और पबजी मोबाइल के बाद फोन पर जो गेमिंग ऑप्शंस की बाढ़ आई है, उसके बाद में एक्टिविजन और टेंसेंट आखिरकार कॉल ऑफ ड्यूटी है, मोबाइल के साथ वापस आ गए हैं और पीसी गेम्स के पिछले रूपांतरणों को ट्रैक करते हुए इसमें TIMI स्टूडियो द्वारा iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए विकसित किया गया है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आप मोबाइल निसंदेह सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शूटिंग गेम में है, जो कि फ्री टू प्ले हिट पैकेज के साथ आता है, जो लोकप्रिय आधुनिक वार जोन और ब्लैक ऑप्स मैप्स दोनों को एक साथ लाकर एक बेहतरीन गेमिंग अनुभव प्रदान करता है, जैसे पहले कभी नहीं किया होगा। तो आईफोन 11 पर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले पर हमने पाया कि ये गेम हाई फ्रेम पर सुचारू रूप से चलता है। कई दफा यूजर को इन अफवाहों का सामना करना पड़ता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और पीसी दोनों के लिए एक अलग अलग फीचर के तौर पे आता है। तो दर्शकों को आप यह बात जान लीजिए कि इस तरह की जो बातें कोरी अफवाह है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और पीसी दोनों के लिए एक ही जैसा फीचर के साथ आता है, चाहे कि आप हेडशॉट ले या फिर चाकू पकड़ने, दोनों ही सिस्टम में कुछ भी नहीं बदलता है। इसके अलावा आप कॉल ऑफ ड्यूटी में कुछ नए अनुभव भी कर पाएंगे, जिसमें टीम डेथ मैच, वर्चुअल्स और रोमांचक गन गेम शामिल है। अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो आप एक बेहतरीन गेमिंग अनुभव करेंगे। 5v5 मैच की सुविधा अभी भी यहाँ है, हालांकि वो आम तौर पर कुछ मिनटों के तक ही चलते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी यानी कि मोबाइल केवल छोटे सीजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दर्शकों को अब आप हम बताएंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी की मोबाइल कंट्रोलिंग कैसे होती है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम अद्भुत कंट्रोलिंग ऑप्शन के साथ आता है। जब एक बार दुश्मन आपके क्रॉस हेयर के भीतर आ जाता है, तब हमें ऑटो फायर मोड पर हथियार सेट करने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन ऑटो फायरिंग एक स्कॉप्ड राइफल के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करता है और इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है, जो गन गेम मोड के अंतिम चरण को जटिल बनाता है। कई लोगों का कहना है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को फिजिकली कंट्रोल के बेहतर अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया गेम है, जो कि इसे सर्वश्रेष्ठ शूटिंग गेम की तलाश करने वाले गेम लवर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के ओवरऑल मोबाइल गेमिंग अनुभव की बात करें तो अद्भुत फिजिकल कंट्रोलिंग के साथ इसमें आपको गेम प्ले और इसके अलग अलग मोड यूजर्स के बीच में इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एक बड़े बैकग्राउंड के साथ आता है, जो इसे तरह तरह के स्थानों के जुड़ता है। और कॉल ऑफ ड्यूटी की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसका बैटल रॉयल पबजी के वर्जन के सामने है। हालांकि इसके नक्शे और हथियार पबजी से कई ज़्यादा बेहतर है। तो यदि आप कॉल ऑफ ड्यूटी पर इंस्टेंट गेम खेलना चाहते हैं तो आप साप्ताहिक मोड चुन सकते हैं। इसके अलावा ये मोड आपके खिलाड़ियों उन खिलाड़ियों के लिए है, वो भी एकदम मुफीदा, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पर नए नए हैं और उन्हें $89 जैसे रकम खर्च नहीं करना चाहते हों, तो ये वो इसे पेशेवर रूप से नहीं खेलना
चाहते हो। इसकी सफलता की अगर हम बात करें तो इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी को अब आप एक एंड्रॉइड और iOS पर भी 100 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को बनाने के पीछे मेन आइडिया बेहतर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स और रचनात्मक को लोगों को रूबरू कराना है। इसी तरह के दूसरे गेमिंग रिव्यू देखने के लिए जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।